खूब मोटी मोटी बनाओ हाँ, और खूब बड़ी बड़ी बना लिया करो। अभी आप देख रहे हैं बंदर के लिए रोटी बन रही, आटा घर में रखा हुआ। दिन भर जितने लोग मोबाइल करते हैं, अभी छत्तीसगढ़ के एक साहब ने कहा कि बाबा अच्छी बात है और आपको लोग खूब जान रहे हैं और दुनिया में आपकी बात फैल रही है, तो हमारा उनसे ये कहना है, उनसे क्या पूरे समाज से, कि अब हमें लोग फोन न करके हमारी मदद करो, आ करके हमारे काम का प्रचार करो और लोगों से कहो कि आप लोग भारत सरकार के पास में एक बार में पूरा विश्व एक एक रुपया निकाले एक बार में, बस दोबारा उसको नहीं देना है, वो भारत सरकार के ही है। आप लोग भारत सरकार से मांग करो कि सरकार में बैठे लोग क्या इस दुनिया के अजूबे बाबा को आप नहीं देख रहे हैं, जो पर्यावरण के नाम पर और पशु सेवा के नाम पर अपनी पूरी जिंदगी खपा दिया। करोड़ों रुपए गवर्नमेंट से ले सकता था, हम नहीं लिया, करोड़ों रुपए खुद से कमाता। खुद हमारे पास इतना बड़ा दुर्गा मार्केट रायबरेली में है, आप पता लगा लीजिए। तो न मैंने दुकान किया, न मैंने गवर्नमेंट से पैसा लिया, अपनी जो हमारी निजी आमदनी थी उसी को गंवा गंवा के गंवा गंवा करके आज हम जीव की सेवा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, हनुमान भक्तों को दिखा रहे हैं। इससे बढ़ के कौन सी हनुमान जी की भक्ति है, है? पत्थर के हनुमान को आप लड्डू दिखा के खुद खा रहे हैं, यही हनुमान भक्ति है, यही हनुमान जी चाहते हैं आपसे, है? जो आप कर रहे हैं, अगर आपकी पत्नी आपके साथ वही काम करे कि आपके तस्वीर में जाके वो खाना छुआ दे और खुदे उसको खा जाए और आराम से रिमोट लेके टीवी देखे या चली जाए शॉपिंग करने या कहीं सहेली के घर चली जाए, तब तो आप आग बबूला हो जाओगे ना। इसलिए कि आप एक नंबर के बेईमान हैं, क्योंकि आप जो करते हैं वो आपको अपना किया नहीं दिखाई पड़ता है। अरे हनुमान जी के मंदिर जाओ, एक रुपया दो रुपया जो तुमको चढ़ाना है तुम 1000 चढ़ाओ, हम मना नहीं करेंगे। कौन वो पुजारी हमको गाली देगा, वो दुश्मन बनेगा हमारा, तो मंदिर का घाटा मत करो। लेकिन हनुमान जी को लड्डू न खिला करके तुम बंदर को खिलाओ जा करके। जिन जिन लोगों ने बंदरों को सेवा किया है आप उनका नंबर लीजिए, हमसे पता लगा लीजिए कि उन लोगों को क्या नहीं फायदा हुआ है। अब ये बंदरों की नसीब देखिए कि लकड़ी की रोटी बंदरों को मिल रही है, ये हनुमान जी की व्यवस्था आप देखें। क्या हो, हम कहा लकड़ी की रोटी जो है यहाँ शहर वाले का कहाँ मिला थी? अरे हम तो रोटी घर खाते नहीं है, लेकिन हमारा पूरा परिवार जो है गैस की रोटी खा रहा है। तो ये सारी रोटियां बंदर के लिए बन चुकी हैं और जो है और भी हाँ, और बना के इनको थोड़ी देर में तोड़ देना छोटे छोटे। तो एक नमूना मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक पेड़ पौधा फैल, ये बताओ सब देखेंगे लोग। हाँ हाँ बाबा जी ऐसा है, मैं 5 बार आपको मैंने मोबाइल किया, झारखंड उन्होंने छत्तीसगढ़ वालों ने कहा, मैं ये आपके लिए मैंने बाबा कहा ये किया, निका भैया अब लोग हमको मोबाइल न करके एक हमारे से खास नंबर ले लो, मुझे ये बताओ कि मैंने आपके हक में ये काम किया है। अब मेरा काम हुजूर नहीं है, दुनिया वालों कान खोल के सुन ले, मैं 80 साल का हो रहा हूँ, 2 जून को 80 साल मेरा पूरा हो जाएगा, तो हमको मेरा काम ना समझो, मैं पूरे विश्व के लिए हो चुका हूँ। अगर दुनिया में विश्व के में अगर मनुष्य हैं तो आप यहाँ के प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से संपर्क करें और संपर्क करके कोई योजना ऐसी बनावें कि वो नहीं, एक लखनऊ से फोन आया अमित पांडे का, वो बाबा एक संस्था बन जाए, रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए। हमने कहा नहीं बेटा, हमको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं संसार में अनोखा था, अनोखा रह करके ही मैं दुनिया से विदा होना चाहता हूँ, मैं ये नहीं वो रजिस्ट्रेशन और संस्था, मैं जो करता हूँ ऑनलाइन खुले खजाने मैं बात करूँगा। कि अगर वापसों में विश्व के लोगों, अगर आपके अंदर ह्यूमनिटी है, मानवता है, इंसानियत जरा सा भी है, तो आप लोग भारत सरकार से बात करो कि हम लोग कुछ मदद करना चाहते हैं। एक एक रुपए अगर आप केवल एक बार में दे दो, करोड़ों रुपए भारत सरकार के अकाउंट में जमा हो जाए और वो पैसा हमको पूछा जाए कि महाराज कौन आपने नौकर रखा है उसको पेमेंट कर दीजिए बाई चेक। श्याम साधु को पैसे की जरूरत नहीं है कि हमको डायरेक्ट मेरे नाम आवे,
जो प्राइवेट लोग नहीं मानते हैं उन वो भी 51 रुपए भेज रहे हैं, कोई 500 भेज रहा है, तो उनको भी मैंने मना किया कि भैया थोड़ा थोड़ा भेजिए वरना आपके पैसे पड़े के पड़े रह जाएंगे, मैं नहीं निकालूंगा। और बैंक में बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक वाले उनसे कह देंगे भैया जो काटना पीटना है वो काटो पीटो, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। ए और छोटे छोटे जितना बड़ा रुपया होता ना वो रुपया के बराबर तोड़ो, ये बहुत बड़े बड़े टुकड़े नहीं, कहे जितने छोट छोट टुकड़ा रही वो सब हम रेसकारी से बहेबे तो ननके बच्चे पा गई हैं, और बड़ा टुकड़ा है ननकवा जहाँ देर तहाँ बड़कवा छोड़ा देट है, और नान नान रही तो न छोड़ा पाई हैं, तो सबका मिल गई। तो ये बंदर के लिए रोटी बन गई है, चना वहाँ ख़त्म हो गया है, चना के लिए भी मैंने ऑर्डर दिया है, कल्लू मेहरोत साहब 100 साल हो गए, हाँ भेजेंगे। तो एक हमने आपको नमूना दिखा दिया है कि देखिए बंदर के लिए अकेले आदमी 12 बज रहे हैं, गाड़ी की हालत देख लीजिए, कोई अब आज मेरे पास आदमी हो नौकर हो उसको भेज दें जा भैया हमारी गाड़ी को ठीक करवा दे। एक यहाँ के नीम हकीम मिस्त्री ने कार्बेटर खोल दिया, वो गाड़ी में खराबी आ गई, अब एक घंटा स्टार्ट करो, एक आधा लीटर पेट्रोल फूको और जहाँ गाड़ी खड़ी करो वहीं ये तेल छूटा रहता है। सुबह से 12 बज गए हैं, बताइए अब हम ठीक कराने पैदल हम लेके गाड़ी जाएं, वहां से लौटे तो छत्तीसगढ़ वालों ने कहा नहीं नहीं बाबा जी ये तो अच्छी बात है, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपसे बढ़ रहे हैं। अरे हम कहा चले भाड़ में हमारी लोगों की जो सोच है हम उसमें हम उसकी आलोचना करते हैं, केवल लोग सुनते हैं, तो मेरी तारीफ मत करो, मेरी मदद करो आ करके, हमको आदमी चाहिए। जा भैया गाड़ी बनवा लाओ, एक आदमी को लगा दिया वो रोटी बना रहा है, है? एक आदमी को है वह देखिए चना वहाँ ड्रम में था वो खत्म हो गया है, यहाँ चना भिगोना था। बंदर के लिए जाना, अस्पताल में एक नंदी भर्ती पड़ा हुआ है, ये देखिए सब जानवर आ रहे हैं, देख रहे हैं ये पानी पीने के लिए, देखिए आंखों से सब यहाँ पौसाला रखा है, ऐसे पौसाले मैंने कितने शहर के अंदर रखवा दिए हैं, ये देखिए पानी नहीं पी पाई, वो गर्म है हीट पर है और उसको हटा दिया इसने, फिर आएंगे फिर पियेंगे। आंखों से देखो सब काम होते हुए, पेड़ देखो पौधा देखो, वहाँ रोटी बन रही है, है और अकेला करने वाला, ना मैं संत हूँ ना कोई महंत हूँ, ना मेरे पास कोई बजट है ना कोई पैसा है, 400 लोग जबरदस्ती भेजने लगे, नहीं नहीं बाबा जी मेरे नाम से बंदर भोज, मेरे नाम से बंदर भोज, अब ये बाहर की रोटियां पड़ी हैं देखिए आप, ये सब इनको भी तोड़ना, शाम को निकलना, शाम को पहले जाना, तो काम करो आकर के। हमारा वीडियो इतना जरूरी है, आज हमने पांचाल जी से कहा महाराज आप एक हफ्ता 10 दिन के लिए चले आओ, जो आपका हर्जा होगा हम आपको दिलवा देंगे, आप आओ हमारा सारा काम सेव कर दो, अकाउंट अकाउंट जो पैसा मिलता है उसको भी सेव करवा करके। हम नाती जी से बात करेंगे भैया एक अकाउंट दोनों लोग के उसमें साझे में रखो, जो अकाउंट पैसा आए यूट्यूब पर के नाम पर वो पैसे निकालें वो वेबसाइट में लगा मैं। श्याम साधु का मतलब है कि श्याम साधु का प्रचार प्रसार करके आप दुनिया में मानवता का भी का प्रचार करें, धर्म का प्रचार करें, असली धर्म क्या है ये लोगों को बताइए। अब श्याम साधु को न कहिए कि मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा, मैं आपको प्रधानमंत्री बनवा दूंगा, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनवा दूंगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, न राष्ट्रपति न प्रधानमंत्री न मुख्यमंत्री, हमको सब ये चाहते हैं मनुष्य मनुष्य बन जाए, धर्म के नाम पर जो धंधा हो रहा है उसमें कमी आ जाए। हैं करोड़ों रुपए हनुमान जी के नाम पर अब तक चढ़े होंगे, करोड़ों अरबों रुपए हिंदुस्तान में हनुमान जी को लोग दे आए हैं, कितने लोग हैं जो बंदर के लिए रोटी बनवा रहे होंगे और उसको खिला रहे होंगे। तब पैसा भेजना मेरे लिए हेडक है कि नहीं, आटा नहीं तो हम, लेबर नहीं है तो हम, लकड़ी नहीं है हम, रोटी बनवाना है तो हम, तो बाणी को मैं विराम देता हूँ, ऐसे ही मैं वीडियो बनाता हूँ दिखाता हूँ कि भैया हमें दिल में आप लोग मोबाइल न किया करो, जिसको बात करनी हो सुबह 5 बजे 6 बजे हमसे बात कर लो, वरना दिन में ना फोन करो। अब लोग नाराज हो जाते हैं, नहीं मैंने तो आपके लिए ये सोचा है, भैया मेरे लिए कुछ मत करो, अब समझ गए, हमारे लिए कुछ करो ही ना, हो आप धर्म का प्रसार करेंगे तो भगवान के यहाँ आप सर उठा के बोल पाएंगे, समझ गए।
ये तीरथ जाने से और माला फेरने से भगवान नहीं मिलने वाले। भगवान इतने बेवकूफ नहीं है, भगवान ने आपको यहाँ काम करने के लिए भेजा है, मक्खनबाजी के लिए नहीं भेजा कि जाओ उनके नाम की माला सटकाओ जाके। कहीं नहीं ऐसा गीता में लिखा हुआ है, काम करो। यही रामचरितमानस में भी यही लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, काम करो, कोई काम नहीं करना चाहता। देख रहे सब पेड़ पौधा जितना सब अकेले, श्याम साधु श्याम साधु श्याम साधु श्याम साधु श्याम साधु ना हो गया कोई लोहे का हो गया है? कोई हम चार भुजाधारी छोड़े हैं हम, बीच बीच में यही बना देते हैं, दिखा देते हैं सब। ठीक है तो मैं रखता हूँ, और देखो सीखो समझो। अब ये गाड़ी अब ये पिद्दी खड़ी है, अब हम बताइए, अभी इसीलिए हमको एक गाड़ी सबसे छोटी वाली उसमें अपना लाद लिया। अब हमारे भावेश मेहता साहब ने कहा 80 साल की उम्र में बाबा वो लोडर कैसे आप चलाओगे। अरे हमने कहा महाराज ये पिद्दी में हम एक मन का बोझा लाद के 80 साल की उम्र में इसमें तो बैलेंस हमको बनाना पड़ता है ना, और जो बजाज वाला मोपेड होगा उसमें हमको बैलेंस थोड़े अपना बनाना पड़ेगा। तब तो खैर देखिए जो मदद आ जाए, जो भी हो, जब तक मैं कर रहा हूँ, बाकी आगे क्या होगा हम जानते हैं सब। सिर्फ आडम्बर आडम्बर, हमारे यहाँ हर का 99% लोग सराफत का लबादा ओढ़ के शरीफ बन जाते हैं। लबादा मत ओढ़ो, हकीकत पर आओ, काम करके दिखाओ, हर चीज की वीडियो बना के दिखाओ। पर्यावरण के मंत्रालय के नाम पर कितने करोड़ रुपए खर्च हुए, किस डिस्ट्रिक्ट में पैसे भेजे गए, उनका क्या उपयोग हुआ, कहाँ खर्चा हुआ, कितने पेड़ लगाए गए, वो कागज में मत दिखाओ, वो जमीन पर दिखाओ। अरबों खरबों रुपए अब तक गंगा जी के नाम से सरकारें डकार गई, पर्यावरण के नाम से डकार गई, अब ये मोदी सरकार आई है, अब देखिए इसमें क्या होता है। एक बार की वो भी तो नहीं शक्ति कर पाएंगे कि हम लोगों के मुंह में हराम की लगी है खाने की आदत, अब एक बार की तो नहीं कर पाएंगे। तो मोदी जी से योगी जी से अब झारखंड वालों ने कहा नहीं साहब आप जितने नेता हैं आप इनसे बहुत आगे हैं। अरे हम कहा हम लाख आगे हों, लेकिन युग कौन सा चल रहा है, युग क्या है। युग में आप देख रहे हैं कि जो गंदे काम करते हैं, जो गंदी या गंदे इशारे से समझ जाइएगा, उनके पास दौलत है तो शोहरत है, और जिसके पास दौलत शोहरत है अरे हुजूर वही भगवान है, जयराम जी की। और श्याम साधु जैसे कुर्बानी देने वालों को लोग पागल कहते हैं। इस गाड़ी लेने के पहले हमारे परिवार के लोगों ने कहा और मित्रों ने कहा अरे बाबा बंद गाड़ी दो। हम कहा ना, ये जनता के पैसे की चीज है, ये जनता देखे कि इसी में बंदर खाएंगे, इसी में पर्यावरण क्या पेड़ लद लद के जाएगा और बागों में लगेगा जाके गांव-गांव में जा करके। जो चीज हो ओपन हो, हम उसी को बाबा और उसी को नेता मानते हैं जो ओपन करके दिखाता हो। जय श्री राम 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 जय